आपने मुझे आप कौन परिवर्तन बजट 2024 के लिए मान लिया मंत्री महोदय अवसर दिया विकृति हो गई के लिए आपका धन्यवाद है। मानसिक विकृति हो गई सदन में चल रही चर्चा माननीय सदस्य कीजिए निंदा बजट पे बोलो विधानसभा की गरिमा का ध्यान रखो बजट पे बोलो। आप भी गरिमा का ध्यान रखें ये छोड़ा फैन ना बंद कर दें। कुछ राहुल गांधी जी ने कहा है वो हिंदुओं के विपरीत नहीं है, केवल विपरीत ये है कि ये अपने आप को जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व मान के चल रहे हैं इसका ऐतराज है। हम हिंदू का प्रतिनिधित्व हम सनातन है, हिंदू है और हिंदू और सनातन की चर्चा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामय के माध्यम से करते हैं। एकमात्र हिंदू ऐसा है जो पूरी दुनिया की सुख शांति की कामना करता है, पूरी दुनिया को बिना भेदभाव के वसुदेव कुटुंब परिवार मानता है। रिकॉर्ड में मानो सदस्य बजट पर अपना भाषण, आपका समय चालू है। धन्यवाद सभापति महोदय, आप विपक्ष को कह दीजिए कृपया करके कुछ देर सुनने का स्वभाव बनाए। सदस्यगण इस अवसर श्रीमान पर सदस्य जी मैं आपके नेता प्रतिपक्ष नोट कर रहे हैं, ये सब जवाब देंगे जब बोल देंगे, आप जरा उनको बोलने दें। ये नेता प्रतिपक्ष जो है सारा पॉइंट नोट करो, आपकी बारी आए तब आप बोलना। के बारे में अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं, बता रहे हैं कोई चीज, अब सीनियर है कोई चीज बता रहे हैं सुन भी ले। मान लिया इनकी बात मान रहे हैं सर, ये हमारे सीनियर है। हाँ सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र जी मोदी एवं मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ संपूर्ण राजस्थान के देवतुल्य मतदाता और जनता की ओर से। ऐतिहासिक बजट, अद्वितीय बजट और संपूर्ण राजस्थान का विकसित बजट इस बार जो पेश हुआ है उस बजट को कहीं ना कहीं विपक्ष सहन नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हाजमा भी खराब है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक, बहन जी सुन लीजिए, सुनने का स्वभाव भी बनाइए थोड़ा सा। सभापति महोदय, अब तक जैसे जब अब तक जो सरकारों ने पिछली कांग्रेस सरकार की बात करें तो बजट ऐसे समय में दिया था जो वही इनको स्वभाव में आ रहा है कि चुनावी बजट है। आप ये माने इस बात का धन्यवाद दें, संपूर्ण सोशल मीडिया, पत्र पत्रिकाएं और पूरे राजस्थान के बजट की चर्चा भारतवर्ष में हो रही है कि ऐतिहासिक अद्वितीय बजट इस बार मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब और भाजपा की सरकार के द्वारा यहाँ हुआ है। संपूर्ण राजस्थान में बधाई और धन्यवाद मिल रही है। मैं जब यहाँ बजट के बाद बाहर गया था तो मेरी विधानसभा के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे इस धन्यवाद के लिए कि ऐतिहासिक बजट हमारे क्षेत्र को मिला है। पिछले बार भारी भरकम मंत्री थे, भारी भरकम डिपार्टमेंट थे और करोड़ों रुपए केंद्र सरकार से उनके हाथ में आए थे, उसके बाद भी हमारा क्षेत्र अछूता था। हमारा वाल सिटी जयपुर, अपरा काशी, ये परकोटा पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस परकोटे में पूरी दुनिया का आदमी इसको देखने और घूमने आता है। उसके बाद भी जयपुर शहर परकोटे में ये हाल है कि यहाँ लोग पलायन की ओर थे, परेशान थे, दुखी थे, सुविधाओं का अभाव था और लोग क्षेत्र छोड़कर जाने को तैयार थे, लेकिन हमने जो मांग की उससे ज़्यादा हमारी सरकार ने वो मांगे पूरी की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ हमारी यहाँ क्षेत्र की संपूर्ण जनता की ओर से, संपूर्ण हमारे देवतुल्य मतदाताओं की ओर से कि आपने ऐतिहासिक बजट हमारे क्षेत्र को दिया। मैं उस बात पे विश्वास करता हूँ, पिछला छोड़ो और आगे चलो। कांग्रेस ने जो किया वो देख रही है और खुद इस बात को मान रही है और हमारे बंधु इस बात को बता भी रहे हैं कि हम आज इसलिए यहाँ बैठे हैं और ये बात भी मान रहे हैं कि बजट तो ऐतिहासिक है। आप इस बात को तो मानते हैं बजट ऐतिहासिक है, इसका तो धन्यवाद आप दे ही रहे हैं, लेकिन इस बात को भी माने कि ये बजट जो दिया है ये पूरा होगा और ये अभी तो शुरुआत है,
अभी शुरुआत है, आपको लग रहा है कि 5 साल जब जाने लगी थी पिछली सरकार, एडवर्टाइजमेंट की सरकार, विज्ञापन की सरकार, 5 स्टार में होटल में रहकर समय बिताने वाली सरकार, अंत में देने लगी थी बजट, तो लग रहा था कि ये बजट हवाई है और वही सत्य हुआ कि खाली घोषणाएं हुई, काम हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर आज शुरुआत में ये बजट दिया गया है, ये माने कि ये बजट सारा काम होने वाला है। मैं मेरी विधानसभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने पर्यटन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हवामहल विधानसभा को 200 करोड़ रुपए का एक बजट आपने दिया है। वाल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट के लिए आपने इसको साज सज्जा के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए आपने 100 करोड़ का जो बजट दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ जयसिंहपुरा रोड, हमारा जयसिंहपुरा खोर जो क्षेत्र है, ये काफ़ी समय से बसा हुआ है, गरीब जनता यहाँ रहती है, कुछ किसान परिवार भी यहाँ रहते हैं, यहाँ की अनदेखी की जा रही थी और इस क्षेत्र को अनदेखी की वजह से विकास से कोसों दूर था, यहाँ के लोग बड़े परेशान थे। इस बार आपने जयसिंहपुरा खोर में एक खेल स्टेडियम की जो घोषणा की, बजट दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही जयसिंहपुरा खोर में SCS स्वास्थ्य केंद्र का, बड़े अस्पताल का जो आपने प्रावधान रखा, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार से 5 आंगनबाड़ी और बढ़ाने का आपने काम किया, उसके लिए धन्यवाद। एवं 5 करोड़ रुपए सड़क के लिए आपने दिए, ट्यूबवेल 10 दिए, जलमहल आमेर से 20 करोड़ रुपए का कार्य कराने का, नारगढ़ जैविक उद्यान 20 करोड़ काम कराने का, इसी तरह अनगिनत कई और हमारी जो कामनाएं थी उससे ज़्यादा आपने पूर्ति की है, उन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, जितनी प्रशंसा की जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए, उतना कम है। सभापति महोदय, मेरे समय में बीच बीच में बोला गया था, इसलिए मेरा आधा समय उसमें खराब हो गया, इसलिए मैं बोलूंगा। मेरा निवेदन है आपसे, समय हो गया। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, जिस प्रकार से 2014 में कमान संभाले थे, उससे पूर्व की मुझे अच्छे से स्मरण में है बात, पूरे देश में एक वायुमंडल बना था। उस समय में कुंभ में था, कुंभ क्षेत्र में था, और वहां एक बड़ी सभा थी धर्माचार्यों की, और वहां सभा में एक चर्चा हुई थी कि अब देश के कमान किसको संभालनी चाहिए, तो पूरे देश से एक आवाज आई थी कि जिस प्रकार से गुजरात मॉडल बना है और पूरी देश में गुजरात के विकास की चर्चा होती है, इसी प्रकार से गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश का काम संभालें, ये कामना सबने की थी और वे काम पूरा हुआ। 2014 से जिस कदर देश प्रगति की ओर है, उन्नति की ओर है, और तीसरी बार मोदी सरकार, NDA की सरकार फिर बनी है, मैं मानता हूँ ये डबल इंजन की सरकार का जो नेतृत्व है, और उसी नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री महोदय, एक किसान पुत्र और गरीब की पीड़ा जानने वाले, और लगातार कई वर्षों का 20-25 वर्षों का संगठन में काम करने का अनुभव, उसी अनुभव के आधार पे अनगिनत काम और योजनाएं और घोषणाएं, काम शुरू हुआ। आने वाले आप सोचे पिछले 3 महीने में, 7-6 महीने में, 3 महीने चुनाव के गए और 3 महीने में ऐतिहासिक काम हुआ। आप सोचे 5 वर्ष में तो 500 साल का भी अगर काम होगा तो ये काम नजर आएगा। पिछली सरकारों ने सिर्फ घोषणाएं की, काम नहीं किए, और मेरे क्षेत्र में आज ये स्थिति है, तुष्टिकरण की राजनीति ऐसी हुई कि वहाँ आज भी आप सोचे पुराना वॉल सिटी, हेरिटेज सिटी है, स्मार्ट सिटी से लेके अनगिनत डिपार्टमेंटों का करोड़ों अरबों रुपया वहाँ आया, लेकिन वो 1 रुपया लगा नहीं। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, आज सदन के माध्यम